हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रतिया से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण नापा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी रहे। इस अवसर पर बराला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, जो उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है उससे साफ होता है कि लक्ष्मण नापा रतिया विधानसभा सीट से भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई भी नेता टिकट को लेकर नाराज नहीं है। अगर नाराजगी किसी पार्टी में है तो वह कांग्रेस में है। कांग्रेस के तो मुख्य नेता ही पार्टी से नाराज हो गए। कई कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि रतिया फतेहाबाद व टोहाना के साथ साथ पूरे प्रदेश में भाजपा पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। आज हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं लक्ष्मण नापा, उनका नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए हमारे जिला के अध्यक्ष में खोला जी, हमारे मंत्री गोखा जी, सब लोग साथ लेकर के आज आए हैं। और जो उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर, जिस प्रकार से मैं रतिया में आया, आने से पहले ही सैकड़ों लोग, बहुत जिम्मेवार लोग, सरपंच गोर और सरपंच सियासत सिंह और उनके नेतृत्व में बिट्टू पहलवान वगैरह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा बाकी जैसे हरियाणा के अंदर एक तरफा लड़ाई दिखाई दे रही है, रतिया विधानसभा क्षेत्र भी बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। देखिए, किसी को मैदान में उठा, जब कांग्रेस पार्टी के जर्नैल ही भाग रहे हैं तो यहाँ के जर्नैल की तो क्या उसमें रहेगी। दो दिन पहले आपने देखा कि पूर्व जर्नैल इनके अशोक तंवर, वो सब पदों से इस्तीफा देकर के भाग गए हैं। इनके जो तथाकथित उम्मीदवार थे कई जगह से, वो अपना इनकी पार्टी छोड़ छोड़ करके या तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, किसी दूसरे दल में आ रहे हैं। तो ऐसा एक माहौल आज बना हुआ है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। देखिए, एक ये बहुत स्वाभाविक सी एक बात होती है, जो व्यक्ति विचार से जुड़ा हुआ था वो कभी इस प्रकार से नहीं करता। वो पीछे हमारी पार्टी में आए थे, हो सकता है पूरी तरह से वो विचार से ना जुड़े हों। तो विचार से नहीं जुड़ता तो फिर चुनाव लड़ने की ललक फिर वो शांत होती नहीं है। तो वो गए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फतेहाबाद से सब सीटों पर, और हम रतिया फतेहाबाद और सब जगह हम टोहाना से पूरे जिले की तीनों सीटें जीत रहे हैं।